हम दोनों कौन है? बच्चे। किसके? मेरे बच्चे। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरु के पापा। और अभी देख रहे हो आप पीछे का नज़ारा, ये छोटे छोटे खेत और ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे। मतलब अभी तो तीन दिन से हम इन पहाड़ों में ही घूम रहे हैं वैसे तो, लेकिन अभी मैं अपडेट देता हूँ आपको। आज है 8 मई और आज है निक्की का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू निक्की, पहली बात। दूसरी बात, रात को हम कर्ण प्रयाग में रुके थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे हमें, बहुत थोड़ी सी क्या मतलब बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। बड़ी सी प्रॉब्लम मतलब कि कुछ ऐसा हो गया था कि हमें होटल वोटल नहीं मिल रहा था कहीं रुकने का। फिर जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत जुगाड़ करा, कुछ काम चलाऊ, और फिर हम कैसे भी करके वहाँ से सुबह निकले 6 बजे। सबसे बड़ी बात, पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था गाड़ी में। एक चीज़ समझ आई, मतलब पहाड़ों पे जो पेट्रोल पंप है वो मैक्सिमम 9:30, 9:30 तक, क्योंकि वहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे लड़के काम करते हैं वो होते हैं गांव के, विलेज के, पहाड़ों वाड़ों के, तो वो अपना 8-9 बजे बिस्तर बांध के चल देते हैं। उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रह जाता है सिर्फ, उसको तेल डालना आता नहीं है, ठीक है। तो पहाड़ों पे अगर आप जा रहे हो, वैसे तो मैं गाड़ी फुल करा के लेके गया था यहाँ से, तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद हम वापस जब देवप्रयाग आ गए, वहाँ तक हमारी गाड़ी में पेट्रोल लगभग दिखा रहा था कि हाँ हम और 100 किलोमीटर चल सकते हैं। अब यार कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो वो ये सोचेगा कि 100 किलोमीटर मुझे चलना है तो 100 किलोमीटर के एरिए में पेट्रोल पम्प तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ना। अब भाई वही सोच के मैं चल रहा था, 100 किलोमीटर का पेट्रोल मेरी गाड़ी में था और वही मेरे को सोमवार समझ लो रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग तक कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिला, मुझे नहीं मिल रहा, होटल नहीं मिल रहा कहीं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को रात हमने बहुत ज़्यादा फेस किया। हम सीधा रानीखेत के लिए निकल चुके हैं, अभी रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा रानीखेत निकलेंगे। अगर आपका कोई होटल है तो किसी भी टाइम कोई आए उसको होटल में एंट्री मिल जानी चाहिए। वहाँ पर भी सिस्टम ऐसी है कि 9-10 बजे होटल भी बंद, कोई आए ना आए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होटल का और पेट्रोल पंप का थोड़ा देखना चाहिए मेरे हिसाब से कि थोड़ा लेट तक खुलें, पेट्रोल पंप तो एटलीस्ट खुलें कम से कम, क्योंकि पेट्रोल तो ज़रूरी चीज़ है। चलो होटल का तो मैं फिर भी एक बार को कि बंदा पेट्रोल गाड़ी में है तो कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट कर ही लेगा, जब ना पेट्रोल है और तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो 24x7 पेट्रोल पंप होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप क्या खा रहे हो, इधर देख के बताओ क्या खा रहे हो, दिखाओ पापा को। वाओ वेदर क्या मतलब नज़ारा है यहाँ का, तो भाई पहाड़ों में नज़ारा नहीं देगा तो क्या देगा यार। तो भाई अभी हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो धूप बहुत है, रानी खेत में ये रानी झील वाला पार्क है उसमें आए हम। यहाँ पे झील भी है, पार्क भी है और बोटिंग वगैरह भी हो रही है। और वरु गाड़ी में बैठे बैठे पूरा ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा इसका भी हो जाएगा मन अलग सा और हमारा भी हो जाएगा रुकने का। ये मैंने कर दिया, चलो दूसरा करे, जोर जोर से करो वरु, तेज तेज करो करो करो, वाह वाह वाह, पकड़ के रखो। ये वरु वरु की मम्मा और निक्की तीनों झूला झूला कर रहे हैं, झूला झूला कर रहे हैं भाई। वरु मजे आ रहे हैं, मजा लग रहा है, ऐसा डर लग रहा है, लाइट करके आओ, आओ आओ जो लाइट करके आओ आओ, मामा स्टॉप। स्टॉप कमान,
अपने हाथ पेट जाएगी। हाँ थोड़ा हाथ लगा के रख बस। चल बेटा चल बेटा। शेर खान अरे ये तो बिना उसके चढ़ जाएगी देखिए। उधर फेंको उधर फेंको। आज है डे थर्ड कर्ण प्रयाग से सुबह। वहाँ से हम निकलने के बाद सीधा हम कहाँ पे आए? हम आए सीधा रानीखेत। रानी और हमने प्लान पहले ही था कि हम नैनीताल जाएंगे सीधा। वहाँ से हम सीधा नैनीताल आ गए। अब फिलहाल हम ये ताल है ताल नैनीताल। मैं यहाँ पहले भी आया हुआ हूँ वैसे तो, सेकंड टाइम है मेरा, तो थोड़ा बहुत मेरे को जैसे पता है तो इसलिए घूमने में और सब ढूंढने में थोड़ा आसानी हो रही है। जैसे कल होटल ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी लेकिन आज कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आधे घंटे के अंदर हमने होटल ढूंढ लिया ठीक ठाक था और होटल भी रिजनेबल मिल गया है। थोड़ा माल रोड की शेयर करने के लिए और यहाँ से घूम घाम के थोड़ा सा फिर लेंगे अपना खाने पीने का, पेट पूजा करेंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा अपने होटल में और आराम करेंगे क्योंकि रात वो आराम नहीं मिल पाया। एक डेढ़ बजे के करीब हम बहुत ज़्यादा परेशान थे तो मेन मकसद है आज आराम करने का। करने का कोई प्लान है नहीं, हालांकि ये ज़्यादा बेटर है। जितनी बोटिंग हमने अब तक करी है दो दिन के अंदर, दो बार करी है दो जगह, ये तीसरी बार है तीसरी जगह, लेकिन मन नहीं है बिल्कुल भी करने का क्योंकि पहले ही दो बार बोटिंग कर चुके हैं और सेम चीज़ है, बस ये थोड़ा बड़ा है वो थोड़े छोटे छोटे थे। तो इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम देखते हैं, अगर होंगी हमसे तो हम करेंगे, अदरवाइज़ तो जय माता दी जय भोलेनाथ। हम दोनों कौन है? किसके? हाँ हम दोनों कौन से बच्चे हैं? ये वाले ग्रीन वाले। अच्छा हम दोनों इसके बड़े बच्चे हैं ग्रीन वाले। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ गुड मॉर्निंग एवरी वन। टुडे इज डे 4 और अभी हम हैं नैनीताल में। ये होटल के बाहर बिल्कुल बालकनी का व्यू है, ये मेरे पीछे ये ताल है। तो अभी हम जो है ना होटल से चेकआउट कर रहे हैं, चेकआउट करके बस निकलते हैं सीधा जो हमारा मेन पॉइंट था कि हम नैनीताल भी कवर कर लें, वो हमने कर लिया। ताल वाल भी घूम लिया और ये मतलब बोटिंग नहीं करी हमने क्योंकि बोटिंग हम ऑलरेडी दो दिन से लगातार कर ही रहे थे। अब सीधा घर के लिए निकल रहे हैं, मिलते हैं आपसे। ये पूरा लेक यहाँ से स्टार्ट होता है ये देखो, और अब हम जा रहे हैं ये पीछे हमारे है नैनीताल का बस स्टैंड ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे होती है बसें खड़ी। ये जाने का रास्ता है ये वाला और यही आने का रास्ता है इधर से। अरे मंकी आप क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम आओगे हमारे पास? हमारे
चलोगे हमारे साथ? जय बजरंगबली। ये है भाई खुरपा ताल, नहीं रहा यहाँ से, शायद पीछे ज़्यादा अच्छा आता, हम थोड़ा आगे निकल गए और अब सीधा हम निकल चुके हैं ऑन द वे टू हरिद्वार। भाई काफ़ी थकान के बाद हम दोबारा अपने वाहन में बैठ चुके हैं घर निकलने के लिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारा प्लान जो है वो सीधा घर जाने का है नैनीताल से, लेकिन हम जो है रास्ते में आ रहे थे तो काशीपुर आके हमने एक बार दिल्ली का मैप भी हमने ट्राई कर लिया, वैसे ट्राई पहले भी किया था, लेकिन दिल्ली का मैप ट्राई करने के बाद हमें पता लगा कि हमें सिर्फ 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, और दिल्ली हमें शाम को वैसे भी आना ही था, तो हमने सोचा हमारा 200 किलोमीटर बच रहा है और पेट्रोल बच रहा है तो पेट्रोल थोड़ा सा बचाना ज़रूरी है आज के टाइम पर, आपको पता ही पेट्रोल के रेट, तो इस चक्कर में हमने डिसीजन ले लिया कि अब हम दिल्ली चलते हैं। अब दिल्ली के लिए हम निकल चुके हैं, आधे रास्ते में आ चुके हैं, वहाँ से 180 किलोमीटर भी हमें चलना हो रहा है। टेम्परेचर कहाँ, हम जब तुंगनाथ बाबा थे तो 4 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद हम तुंगनाथ से नीचे चौपता में 9 डिग्री सेल्सियस था, और अब हम यहाँ जैसे ही नैनीताल में आए वहाँ पे वही टेम्परेचर नॉर्मल था, मतलब 22 से 14 के बीच में, और अब हम यहाँ हैं फिलहाल हापुड़ के आसपास। यहाँ पे टेम्परेचर आपको मैं बताऊंगा तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है 34, तो बस यही हमारे देश की विशेषता है, हर एक 100 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है और लोग बदल जाते हैं। हाँ, और एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहाड़ों में इतनी मैगी मिलती है ना, इतनी मैगी मिलती है, इतनी मैगी मिलती है, इतनी महंगी मिलती है कि इसका कोई हिसाब नहीं है, जितना हो सके कम से कम मैगी खाएं पहाड़ों में जाते टाइम, हमने मुश्किल से एक बार या दो बार खाई होगी, ज़्यादातर हमने बंद क्या था वो बंद बटर, वरना बंद मक्खन चल रहा है अपना, तो अपना वो भी फेवरेट है। खासा हमने पूरा ट्रिप का एंजॉय कर लिया कि हमने 4 दिन के अंदर अंदर कम से कम भी 4 जगह हमने कवर कर ली, हमने जितना हम कर सकते थे उतना एंजॉय भी किया। अब सीधा चलते हैं दिल्ली और फिर मिलते हैं आपसे।